नहीं, पंजाब तो बेवजह इसमें मुद्दा उठा रहा है। चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब और हरियाणा का बराबर का हक है, और जब तक हमको SOEL का पानी और हिंदी भाषी क्षेत्र जो अवार्ड हुआ हुआ है उसके मुताबिक नहीं मिल जाते, तब तक हम चंडीगढ़ में डटे हुए हैं। हमने अंगद का पैर जमा रखा, उसको कोई हिला नहीं सकता। डॉक्टरों की जो हड़ताल है उसको किस तरह देख रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको? नहीं, देखिए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले रहे हैं। मेरी आज भी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और सभी अधिकारियों से भी बात हुई है। मुझे लगता है कि इसका एक दो दिन में हल निकल जाएगा। और इसी जगह मैं ये भी तमाम डॉक्टर से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना आंदोलन करें, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, उस पर मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मरीजों को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको इसको कंसीडर करना चाहिए। सर, दिल्ली में जिस तरीके से निगम चुनाव है और गुजरात की बात करें, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। आज सर सीधा आरोप लगाया गया है मनोज तिवारी पर कि बीजेपी कहीं ना कहीं आज जो जान संवारने की कोशिश है वो भी आज जो है अरविंद केजरीवाल को करती हुई नज़र आ रही है, किस तरीके से ध्यान देंगे? देखिए, आप पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में पिटाई हुई है और जो अब पिटाई हिमाचल में, गुजरात में और दिल्ली में होने जा रही है, पिटाई से मेरा मतलब कोई फाइटिंग नहीं है, राजनीतिक पिटाई, उससे इनके सारे नेता डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। और डिप्रेशन के मरीज को अपने साए से भी डर लगता है, हर वक्त उसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई हमला कर देगा, मेरे ऊपर कोई ना कोई आघात कर देगा। तो मेरी उनको राय है कि उनको किसी मनोवैज्ञानिक को अपने आप को दिखाना चाहिए, बल्कि आप पार्टी के लिए तो उनको एक परमानेंट मनोवैज्ञानिक एंगेज कर लेना चाहिए। सर, पंजाब में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, हरियाणा सूबे के आप भी गृह मंत्री, इसको लेकर किस तरह के चौकन्ना? नहीं, हम उससे बहुत चिंतित हैं और हमने उसके लिए कई कदम उठाए हैं हरियाणा में, जिनका मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन पंजाब में मैं आप पार्टी को कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार आई है, दिल्ली में तो आप ये कह के छूट जाते थे कि पुलिस हमारे पास नहीं है, पंजाब में तो सब कुछ आपके पास है, पुलिस भी आपके पास है। ये जो जघन्य अपराध हो रहे हैं और जो लगातार काम चल रहा है, इस पर उनको रोक लगानी चाहिए। सर, 29 तारीख को जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना आप लोग शुरू कर रहे हैं, जो कार्ड बनाए जाएंगे, कितना फ़ायदा हरियाणवियों को इस योजना से होने जा रहा है? देखिए, हम हर हरियाणवी का मेडिकल चेकअप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में डायबिटिक के कितने मरीज हैं, लीवर से अफेक्टेड कितने मरीज हैं, दमे के कितने मरीज हैं, भिन्न भिन्न बीमारियों के। तो हम फेज़ मैनर में ये करेंगे। पहले फेज़ में हम अंत्योदय परिवारों का करने जा रहे हैं, पूरा उनका मेडिकल चेकअप करेंगे, सारे उनके टेस्ट करेंगे, उनके ब्लड रिपोर्ट लेंगे, सारा उसको लेबोरेटरियों को हम सक्षम बना रहे हैं कि उसमें हम चेक करेंगे और उनको एक डिजिटल कार्ड देंगे। और हमारा जो ई उपचार है वो कार्ड उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, वो हरियाणा के किसी भी अस्पताल में जाएंगे या मेडिकल कॉलेजों से भी ई उपचार की इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने कहा है, PSC लेवल तक ई उपचार भेजने के लिए मैंने कहा है। अभी 55 अस्पताल हमारे जुड़े हुए हैं, वो किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो डॉक्टर को जो बार बार टेस्ट करते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे, उस मरीज़ की सारी मेडिकल हिस्ट्री कंप्यूटर पर आ जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और हरियाणा देश का पहला राज्य है जो ये कदम उठा रहा है। बॉन्ड पॉलिसी को लेके कोई दोबारा विचार है सरकार के, उस पर कंसीडर कर रही है कि लंबा मुद्दा एक चला? नहीं, मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी खुद लगे हुए हैं, अधिकारियों से बात हो रही है, मेरी आज भी मुख्यमंत्री जी से काफ़ी बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि ये जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा।